आज हम बात करेंगे कमेंट्स ऑप्शन में किए गए कमेंट्स पर, जो कि आपने किए हैं और जो बहुत कॉमन थे, कई लोगों के ऑलमोस्ट एक जैसे सवाल थे, तो उनको हमने नोट किया है। और मेरे पास जो ये कमेंट आए हैं लिखकर, ये कई क्वेश्चंस हैं इसमें जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आपको वैसे भी जो दूसरे कमेंट आप करते हैं उनके बहुत क्विक रिस्पांस मिलते होंगे, और अगर आप उनसे सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ कमेंट ऑप्शन में इस वीडियो के ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है आपके जो भी कमेंट आपको मिलते हैं। तो आज जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं आपके, वो बहुत ख़ास हैं आई थिंक सो। और उनमें से जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो आया है ऑल इन वन नाम से। ये जो मेंशन हो रहा है वहाँ पर नाम तो नहीं है, सिर्फ ऑल इन वन लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जबड़े से आवाज़ आना कुछ दिन पहले शुरू हुआ है और जब भी मुंह खोलता हूँ राइट साइड से कट कट की आवाज़ आती है। तो राइट साइड से कट कट की जो आवाज़ आ रही है, ये जो हमारी टेम्परामेंटल ज्वाइंट जहाँ पर होता है उससे ये आवाज़ आती है, इसको हम TMJ प्रॉब्लम कहते हैं। और ये अक्सर तब होती है जब हम नॉर्मल जितना हमें मुंह खोलना चाहिए उससे ज़्यादा हम खोलते हैं। कभी कभी हमें नहीं पता चलता कि हम नॉर्मल से ज़्यादा भी मुंह खोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अपना मुंह खोलें तो वो नॉर्मल खोलें और उससे थोड़ा कम ही खोलें। तो जब भी हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ मुँह में रख रहे हैं तो उस समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अब नॉर्मल से कम मुँह खोलना है, तब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि ऐसा कोई ऐसा टिप बताइए जो लॉकडाउन की स्थिति में, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता तो मुझे आराम रहे। तो यही इस समय के लिए अभी तो यही है कि अगर आप नॉर्मल मुंह खोलेंगे तब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी और जो दर्द आपको यहाँ पर फील हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो जॉइंट है यहाँ पर उसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा मुंह खुलने की वजह से उसमें दर्द हो रहा है और उसी की वजह से वहाँ पर घिसन हो रही है जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस हो रहा है। तो एक चीज़ और भी ध्यान आपको रखनी है कि घर में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी टाइट है तो वो आपको नहीं खानी है, क्योंकि उससे भी इस मैंडिबल जॉइंट पर जोर पड़ता है और उससे आपको दर्द हो सकता है। जैसे आमतौर पर घर में चने होते हैं, जो ड्राई सूखे काले चने होते हैं वो लोग अगर खाते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। उसकी जगह अगर सूखा नारियल है, नारियल भी कभी कभी खाते हैं, उससे भी हमें काफ़ी जोर लगाना पड़ता है उसको खाने के लिए, उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या इस सिमिलर इस जैसी जो दूसरी कोई ड्राई फ्रूट है या कुछ और है जो आप खा रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अभी अवॉइड कर दीजिए। बाकी नॉर्मल जो घर में खाना बन रहा है आप उसे खाइए, लेकिन खाते समय भी थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दीजिए। हो सकता है आप जब हम रोटी दाल सब्जी खा रहे हैं तो उससे मुँह ज़्यादा खोल रहे हैं, तो अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चम्मच से आपका मुंह थोड़ा सा खुलेगा और उससे आप आराम से खाना भी खा सकते हैं और मुंह भी नहीं खुलेगा। रोटी जब खाएं तो रोटी में आप ध्यान रखिए कि रोटी खाते समय ज़्यादा मुंह ना खोलें। तो इसका यही सलूशन है। अभी फ़िलहाल अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उस जॉइंट में अपने आप ये पेन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और ये प्रॉब्लम जल्दी बढ़ेगी नहीं, और आगे भी अगर आप ऐसा करते हैं तो ये प्रॉब्लम आगे नहीं रहेगी, आपको नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर से मिलने। लेकिन फिर भी अगर आगे प्रॉब्लम रहती है तो आपको ज़रूर एक डेंटल सर्जन से मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लालमन पाल का। ये लिखते हैं कि मैं सिर्फ सोते वक्त ही चश्मा निकालता हूँ, मेरा नंबर -3 से -1 सिलेंडर है। यानी इन्होंने वहाँ पर कमेंट किया था जहाँ पर ब्लर विजन की जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें, तो इन्होंने ये कहा है कि -3 इनका नंबर है, ये सिर्फ सोते समय अपना चश्मा उतारते हैं। कहने का वहाँ पर मतलब ये था कि अभी भी मेरा वही उद्देश्य है कहने का कि हम ये नहीं कहते कि आप कोई भी काम बिना चश्मे के करिए, या टीवी देखिए, ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ पढ़िए, या फिर आप कोई भी पढ़ाई लिखाई का या फिर ड्राइविंग का कोई भी काम आप बिना चश्मे के करें। नो, आपको जहाँ भी जो भी काम करना है चश्मे के साथ करना है। लेकिन जब हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम अगर फ्री होता है, जहाँ हम आके लेटते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उस समय हमें चश्मे को ज़रूर उतारना चाहिए और आँखों को एक अच्छा मूवमेंट देना चाहिए।
अक्सर होता ये है, साइकोलॉजी ये है हमारी कि जब हम कोई भी चश्मा पहनते हैं तो जो भी चश्मे का हमारा शीशा होगा, जो भी फ्रेम है उसका, हम उसी के अंदर से उसको देखेंगे। हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम साइड से नहीं देखेंगे। तो ऑलमोस्ट जो आँखों का मूवमेंट रहता है वो उस दायरे में ही रहता है जहाँ पर जितना बड़ा वो फ्रेम है। तो जब हम चश्मे को उतारेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें ये ध्यान आएगा कि हमें आँखों को मूवमेंट भी देना है, हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है आँखों की, कि थोड़ा सा हम ऊपर देखना है, थोड़ा नीचे भी देखना है, थोड़ा राइट भी देखना है, लेफ्ट भी देखना है। तो ये मान कर चलिए कि अगर हम चश्मे को उतारते हैं कभी भी दिन में, हमें जो भी रेस्ट का टाइम मिलता है, तो उस समय हमें आँखों को थोड़ा मूवमेंट देना है, आँखों की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज भी अगर नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं है, तो कम से कम मूवमेंट तो देना है जो आँखों के प्रॉपर और अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि दिन में 2-3 बार चश्मा उतारें और उस समय आराम से रिलैक्स बैठें और आँखों को थोड़ा सा मूवमेंट दें। इसी बहाने कि आपने चश्मा उतार लिया है तो अब आपको आँखों में मूवमेंट देना है। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और कहा भी यही जाता है कि आँखों को कुछ भी काम करने के बाद, कुछ घंटे काम करने के बाद आँखों को थोड़ा मूवमेंट देना चाहिए। लेकिन क्योंकि चश्मा पहनकर हम काम करते हैं तो मूवमेंट देना या उसको हम भूल जाते हैं। तो कोशिश करिए कि दिन में 2-1 बार आँखों को रेस्ट दीजिए, रेस्ट के लिए चश्मा उतारिए और फिर थोड़ी देर बंद करिए, फिर खोलिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे दांत में कीड़ा लगा है। कीड़ा लगे से संबंधित बहुत सारे सवाल हमारे पास पहले भी आए हैं, अभी भी आते हैं और आई थिंक सो आते रहेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि डेंटल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने एक्सपर्ट्स के साथ में मिलकर बनाए हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, और उसमें हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं। आप उनके थंबनेल को देखिए कि कहाँ पर क्या लिखा है, वो सारा कुछ आपको क्लियर वहाँ पर दिखाई देगा और बहुत अच्छे से वहाँ पर एलोबरेट किए गए हैं क्वेश्चंस को। मैंने भी जो क्वेश्चन पूछे हैं वो एज ए स्टूडेंट आपकी तरफ से पूछे हैं और वो आपको वहाँ सारे रिप्लाई आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए और वहाँ पर वो जो लिस्ट है पूरी, उस लिस्ट में जाकर डेंटल से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं आप उनको देखिए। आपका जो सवाल है उससे रिलेटेड आपको वीडियो वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। तो आपका फिर सवाल ये रहेगा कि मेरे दांत में कीड़ा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वेरी सिंपल, ज़रूरी नहीं है कि कीड़ा लग गया है तो उसकी जड़ भी ख़राब हो गई है। हो सकता है उसमें नॉर्मल एक छोटा सा प्रोसीजर देकर या उसकी क्लीनिंग करके और उसमें फिलिंग की जा सकती है, और फिलिंग के लिए आपको हो सकता है 2-3 बार जाना पड़े हॉस्पिटल। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर कीड़ा लग गया है तो रूट भी ख़राब हो गई हो, तो उसमें आगे जो प्रोसीजर होता है जिसे हम RCT कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो वो तो देखने के बाद ही, कंडीशन के बाद पता चलेगा। और इसमें एक मेजर रोल एक्सरे का भी होता है कि एक दांत का जब एक्सरे हो जाता है तो प्रेजेंट पोजीशन पता चल जाती है कि उस दांत में क्या ज़रूरी प्रोसीजर दिया जा सकता है। तो कंडीशन के बाद ही इसमें निर्णय लिया जा सकता है कि आपके दांत में क्या हो सकता है। लेकिन अगर कीड़ा लगा है तो कीड़े को आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उसकी सफाई करानी पड़ेगी, और सफाई के बाद ही ये बताया जा सकता है कि आपके अकॉर्डिंग उसमें क्या होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मिस्टर संदीप ने लिखा है। संदीप कहते हैं कि मेरी लेफ्ट आई में सुधार है, मेरा विज़न ठीक हो रहा है, पर अभी भी ब्लर विज़न है, तो क्या मुझे ये एक्सरसाइज आगे करनी चाहिए, या मतलब इनका है कि कितने बार करनी चाहिए। इनका भी ब्लर विज़न से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी किया। पहले हम इसका आंसर देते हैं कि हमें ये एक्सरसाइज कितनी बार करनी चाहिए। ब्लर विज़न के लिए एक्सरसाइज आपको सुबह और शाम 2 बार सफिशिएंट है। उसका उद्देश्य भी यही है, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में भी बताया कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको आँखों को मूवमेंट देना है। क्योंकि जब हम लंबे समय तक आँखों को मूवमेंट नहीं देते, हमारी आदत नहीं होती है, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाता आँखों में। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप आँखों को हर तरीके से, जैसे एक्सरसाइज के पॉइंट बताए गए हैं वो मैंने ऑलरेडी उसको वीडियो बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाकर कि आँखों की एक्सरसाइज कैसे करती है। तो उसको अगर आप प्रॉपर करेंगे, 2 बार करेंगे, तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा। बट ये एक्सरसाइजेस भी तभी काम करती हैं जब हमारा बहुत माइन्यूट सा नंबर होता है, जैसे आधा नंबर है या फिर चौथाई नंबर है, जिसे हम -0.50 या -0.25 कहते हैं। तो इस लेवल तक ये काम करते हैं, लेकिन उससे बढ़ जाते हैं जब नंबर -1
उसके आगे या फिर उससे आगे, तब चश्मे पर ही आना है, चश्मा ही इसका सही ऑप्शन है। उसमें हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें एक्सरसाइज से ही इसको ठीक करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिर ठीक नहीं हो पाती हैं, जिसमें आई के बॉल का भी साइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि जब आई का बॉल एक बार बड़ा हो जाता है तो उस बॉल का छोटा होना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ जब एक बार ये शुरुआत हो रही होती है तो उस स्थिति में आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो जो आई एक्सरसाइजेस बताई गई हैं वो भी उस स्थिति में बताई गई हैं जहाँ पर आपके नंबर की शुरुआत हुई है, अभी नंबर आना शुरू हुआ है, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तब आप इसको करिए। डेफिनेटली हो सकता है आपकी आँख में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो दैट मीन्स कि आँख की बॉल का साइज जो बढ़ चुका है वो अब कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही का है संदीप जी, आपने लिखा है कि ब्लर विज़न को ठीक करने का दूसरा क्या तरीका है। इस पर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए और वहाँ पर उस पूरी लिस्ट में देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि आपको किस तरीके की ज़रूरत है, आपकी क्या एज है उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं कि आप किस एज में हैं, आपकी ज़रूरत क्या है और किस लिए आप कराना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये डिसीज़न होगा। लेकिन इसमें जो दूसरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उसमें लेसिक लेज़र का जो ऑप्शन इस समय भारत में बहुत पॉपुलर है, मोस्टली लोग कराते हैं, उसमें भी अगर आपका नंबर -4 के आसपास है तो आप एपिकॉन्ट्रा को चूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट, अभी तक की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आप कहीं पर भी अगर लेसिक कराने जाते हैं तो आप एपिकॉन्ट्रा को चूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, एपिकॉन्ट्रा अभी तक की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, और आने वाले समय में तो बहुत सारी नई चीज़ें आ ही जाएंगी, लेकिन इस समय प्रेजेंट में ये सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है और इससे आँखों का नंबर ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सूर्य भान कदम ने लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि मेरे चश्मे का नंबर 5.5 है और मेरा चश्मा कब और कैसे दूर होगा। तो इनका भी सेम मेरे हिसाब से तो यही आंसर जो अभी मैंने अभी आपको बताया कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी एज क्या है, आप क्यों कराना चाहते हैं, इन तीनों के आधार पर आप निर्णय लेंगे कि आपको क्या प्रोसीजर कराना है। बहुत सारे प्रोसीजर हैं, आज बहुत तरक्की हो गई है और हर तरीके के प्रॉब्लम का सलूशन है। तो ये जो लेसिक लेज़र है, लेसिक लेज़र सिर्फ एक तरीके की लेसिक नहीं होती, तो बहुत सारी तरीके हैं, उसमें आपको कौन सा पसंद है आपको वो चूज़ करना है। फिर मैं बताऊंगा कि अगर -4 तक का नंबर है तो आप एपिकॉन्ट्रा, जो इस समय की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है लेसिक में, लेसिक टेक्नोलॉजी में, तो उसे आप करा सकते हैं। और अगर आपका नंबर -4 से ऊपर है तो आप फिर कॉन्ट्रा विज़न को चूज़ कर सकते हैं, जो अभी सबसे अच्छा पॉपुलर है। लेकिन फिर भी इस सब में आपको बहुत अच्छे से सोचना है, अच्छे से निर्णय लेना है कि आपकी क्या ज़रूरत है, आप इसे क्यों कराना चाहते हैं। अगर आप जॉब के लिए नहीं कराना चाहते, अगर आपका कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, तो आई थिंक सो कि चश्मा ठीक है, आप चश्मा लगाइए क्योंकि वो सबसे बेस्ट और सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिनलेस एंगडस का, इन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 22 साल है और मेरे 28 दांत हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक सो इन्होंने मेडिकल के कंसर्न में ये सवाल किया है कि अगर ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे गवर्नमेंट जॉब के लिए जहां पर डेंटल मेडिकल बहुत असेंशियल होता है, उसमें भी उसके डेंटल पॉइंट्स होते हैं, तो क्या अगर किसी व्यक्ति के 28 दांत हैं तो क्या वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। तो अगर आपके 28 दांत हैं और सब ठीक हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं वो आसानी से मिल जाएंगे और किसी तरीके की आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप जब भी मेडिकल के लिए जाएं तो उससे पहले एक बार डेंटिस्ट से मिलकर जाएं, क्योंकि उसमें हो सकता है दांतों में पायरिया हो, थोड़ा सा टैटर जमा हो, गंदगी हो, तो उसको अगर आप क्लीन करा कर जाएंगे तो फिर रीमेडिकल की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा गंदे दांतों की स्थिति में रीमेडिकल भी भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक सो आप इसका ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है मिस्टर मनोज ने, और इन्होंने लिखा है कि मेरी लेफ्ट आई 6x6 है और राइट आई मेरी जो है वो उससे मुझे ब्लर दिखता है, और लगभग मेरा जो नंबर है वो -0.50 है,
तो मैं क्या करूँ, यानी इनका एक आँख का नंबर तो ठीक है, दूसरी आँख में थोड़ा सा नंबर है। तो उस स्थिति में नॉर्मल तो आप एक्सरसाइज करिए, जो कि आई एक्सरसाइज होती हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन डायगनल, उन एक्सरसाइजेस को करिए। और माइट भी पॉसिबल ये हो सकता है कि नंबर जो आपका है वो ठीक भी हो जाए, क्योंकि अगर ये अभी शुरू हुआ है तो। और अगर इसको आप एक्सरसाइज करने के बाद भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर वही इसमें हम यही कहेंगे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो कहती है कि आई का बॉल का साइज़ अगर एक बार बड़ा हो जाए तो फिर वो छोटा नहीं हो सकता, तो उस स्थिति में फिर चश्मा एक ऑप्शन आ जाता है आगे। लेकिन क्योंकि ये नंबर बहुत कम है, तो ये नॉर्मल एक्सरसाइज से, नॉर्मल रोटेट करने से आँखों को अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, जो भी हमने भी उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए और उसको करिए, तो ये नंबर क्योंकि कम है तो ये नंबर हो सकता है कि ये हट जाए। तो आई थिंक सो कि इसमें एक्सरसाइज का काफ़ी अच्छा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षय कुमार का है, उन्होंने पूछा है कि कलर विज़न की समस्या क्या किसी भी उम्र में हो सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कलर विज़न की समस्या हमें जन्म से होती है, यानी जब हमारी बर्थ होती है, और अगर हमें कलर विज़न है तो ये समस्या बर्थ से ही हमें हमारे साथ आती है। और मोस्टली तो ऐसा भी रहता है कि ये हमें हमारे जो माता पिता हैं उनसे हमारे अंदर आ जाती है। होप सो कि उनको भी ये प्रॉब्लम रही होगी। तो ऐसी ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का अभी तक कोई भी सलूशन नहीं है। हाँ, इस पर रिसर्चेस चल रही हैं, अगर जैसे ही कोई सलूशन आएगा डेफिनेटली हम भी इस यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। और कलर विज़न डेफिशिएंसी या फिर कलर विज़न के क्या सलूशंस हैं वो हो सकते हैं, उस पर भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए और आप अगर वहाँ पर देखेंगे तो आपको वहाँ से वो वीडियोज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितेश मिनारिया का, इन्होंने लिखा है कि जीन थेरेपी कहाँ की जाती है और कितने पैसे इसमें खर्च होते हैं? तो नितेश जी, जीन थेरेपी अभी मैंने जो लास्ट वीक वीडियो अपलोड किया था उसमें भी बताया था कि डॉक्टर नरेश गुप्ता ने भी उसमें कहा था कि हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसर्च चल रही है, तो ये जब तक इसके रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे तब तक ये आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो अभी तो मुझे लगता है कि उन्होंने खुद कहा था कि इसमें 6 महीने के आसपास इसको लग जाएगा, तो रिज़ल्ट आने में तो 6 महीने का तो आप अभी आपको वेट करना ही करना है। उसके बाद भी ये कब अवेलेबल होगी आम जनता के लिए और ये कितनी खर्चीली होगी ये भी तभी पता चलेगा, क्योंकि जब ये हमारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होगी। कहाँ होगी, किस जगह पर होगी, ये भी ये थेरेपी आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इस पर अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, इसका कोई फाइनल रिज़ल्ट अभी नहीं है। हाँ, उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इसकी इस पर जो रिज़ल्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी ही आएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा क्योंकि ये काफ़ी लंबी रिसर्च का मामला है। तो जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली हम भी आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिस्टर साकिब का, उन्होंने लिखा है कि हीमोफीलिया है मुझे और मुझे परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। तो परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में पिछले वीडियो में हमने जो अपलोड किया था मिस्टर साकिब, उसमें यही बताया गया था कि जो जीन थेरेपी है उसका बहुत बड़ा एक रोल दिख रहा है उसमें, और बहुत संभावनाएँ दिख रही हैं कि वो इस बीमारी को काफ़ी हद तक कम कर देगी। तो ये जो रिज़ल्ट है जीन थेरेपी का, ये तो अभी रिसर्च के अंडर चल रहा है, तो कब आएगा मुझे लगता है 6 महीना खुद बताया गया है, 6 महीने के बाद ही इसमें कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देगी, और जैसे ही इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम कोशिश करेंगे कि उसको आपके लिए लेकर आए। तो आई थिंक सो कि ये सारे सवाल आपके थे जो आपने मुझसे पूछे थे, तो इन सवालों को हमने आज यहाँ पर कवर किया है आपके लिए। तो आई होप कि इसका आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गया होगा। अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं या फिर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट ज़रूर करें। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ कमेंट ऑप्शन में अपने कमेंट जरूर छोड़ें, जिससे हमें ये पता लगे कि आप इन वीडियोस से कितना कुछ सीख रहे हैं या फिर इन वीडियोस से आपको कितना लाभ हो रहा है। आप और आगे क्या चाहते हैं उनको भी आप लिख सकते हैं, आप किन नई चीज़ों पर जानकारी चाहते हैं उसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप क्या जानना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि इन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं।
तो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप मुझे कमेंट ऑप्शन में कमेंट करेंगे। अगर आपको इस चैनल के कोई भी वीडियोज़ इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छे लगते हैं तो उनको दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए, बिकॉज़ यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बहुत ही करेक्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी वीडियो ठीक लगता है तो आप उसको ज़रूर दूसरों को शेयर जरूर करें और उनको बताएं। तो नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।